हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज का क्लास में प्रीवियस ईयर एमसीक्यू का सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम लोग। और ये क्वेश्चंस अभी तक जितने माइक्रो कंट्रोलर में पूछा गया है अभी तक एसबीटी के द्वारा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वो माइक्रो कंट्रोलर 8051 का क्वेश्चन है जो पहले पूछा गया है, और वो पहले इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों को ही पढ़ना होता था, इसलिए वो सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोग को करा दे रहा हूँ। और वो ही क्वेश्चंस ज्यादा चांसेस है कि आपको इस बार का एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है? तो लगभग 2018, 19, 20, 21, 22, 4 सालों का क्वेश्चन जो 8051 का पूछा गया है, वो क्वेश्चंस को आप लोग को करा दे रहे हैं। और यही क्वेश्चन जो है आपको इस एग्जाम में रामबन और जड़ी बूटी, जिसको हम लोग नाम दिए हैं, वो साबित होने वाला है एसबीटी एग्जाम में। तो ये पूरा क्वेश्चन देख करके जाइएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 30 क्वेश्चंस के अराउंड आपको बताएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस अराउंड पूछे जाएंगे, सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चंस यही आएगा, इस बात को आप लोग कंफर्म रहेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को अब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और एक अच्छा सा कॉमेंट करके जरूर जाएंगे, ठीक है, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं देर ना करते हुए। चलिए, वीडियो शुरू होने से पहले एक और आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दे कि फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए हम लोग 11 रुपया बैच, मतलब 11 रुपया में एक बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें आपको सारा पूरा का सिलेबस आपको कराया जाएगा। एक क्रैश कोर्स है 11 रुपया, मात्र 11 रुपया में। इसमें जितने भी वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे, VVI क्वेश्चंस मिलेगा, साथ में साथ सारा वीडियो का PDF मिलेगा, और YouTube पे आपका जो भी लाइव क्लासेस चल रहा है इसका रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपको वहां दिया जाएगा। तो रिकॉर्डेड वीडियो YouTube का, लाइव सेशंस का, प्लस PDF, प्लस अदर मटेरियल, जो VVI क्वेश्चंस होगा, जैसा कि MCQ हो या और जो भी VVI क्वेश्चंस हो सकता है, वो हम लोग देने का ट्राई करेंगे। और ये जो हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं, ये SBT के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया गया है, जो कि SBT में हम लोग ऐसा चांस कर रहे हैं कि ये जड़ी बूटी के समान आपको इतना, मतलब इम्प्रूवमेंट हो जाए इतने कम टाइमों में, कि आप एक जड़ी बूटी जो होता है ना, कि किसी भी ना चाहते हुए, और मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि उसको ये कह सकते हैं कि जड़ी बूटी है, मतलब कि ना चाहते हुए भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और वो ऐसा काम करेगा कि ना चाहते हुए भी ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, मात्र और मात्र 11 रुपये वाला। तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस का प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे एंजॉय कीजिए। ओके ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर, क्वेश्चन नंबर आप 1 कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये कैसे सर, है ना? तो ये इसलिए बाबू, क्योंकि जो सिलेबस में पढ़ना था वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर भी था और 8051 माइक्रो कंट्रोलर भी था। ये सिलेबस आपको हटा चुका है, इसलिए हम भी यहाँ से हटा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं हम 8051, ठीक है? तो हम लोग 8051 का ही एमसीक्यू करेंगे, और यही आपसे पूछा भी जाएगा, 8085 से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12, है इसका क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन 8051 एग्जीक्यूट सम अर्थमेटिक ऑपरेशंस, देन फ्लैग बिट बीच ऑफ द रजिस्टर आर इफेक्टेड। कहने का मतलब है कि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस करे, चाहे ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, या मल्टीप्लाई करे, या फिर डिवाइड करे, तो इनमें कौन सा फ्लैग ऐसा होगा जो अफेक्टेड होगा। तो भाई हम लोग तो फ्लैग एक ही पढ़े हैं, PSW फ्लैग रजिस्टर, तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। तो ये आपका, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है? इसी में अफेक्टेड होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, जब एडिशंस करते हैं तो कैरी जनरेट होता है कभी, और सब रिजल्ट 0 हो जाता है कभी, और पैरिटी बिट हो जाता है। तो ये सब हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में पढ़े थे। और एक चीज और बता दे कि सबका फुल फॉर्म भी याद करते चलिए, यहाँ पे सारा विश्लेषण सब कर दे रहा है। PSW कितना बिट का होता है, ये 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है? इसको प्रोसेसर स्टेटस वर्ड भी बोला जाता है, याद रखिएगा क्या, प्रोसेसर स्टेटस वर्ड, स्टेटस वर्ड, ठीक है? और ये 8 बिट का होता है, ये जो है इसको 8051 में क्या बोला था, फ्लैग रजिस्टर बोला जाता है, क्या, फ्लैग रजिस्टर बोला जाता है। और बता दे कि इसको और स्टेटस फ्लैग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टेटस फ्लैग बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको इतना चीजें आपको पता होना चाहिए। ये 8 बिट का है, 8 बिट में से 6 बिट का इसका यूज किया जाता है, 2 बिट बैकेंड रखा जाता है, ठीक है? तो 6 बिट का यूज किया जाता है, इस 6 बिट में से
4 बिट फ्लैग के लिए यूज किया जाता है, जबकि 2 बिट होता है बैंक सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आपको बनने में आसानी होगा। उसके बाद स्टैक पॉइंटर है, तो स्टैक पॉइंटर 8 बिट का होता है। ठीक है, पेन चेंज करके इसको भी आपको यहीं पे हम क्लियर करते चल रहे हैं, बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए स्टैक पॉइंटर कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। ठीक है, एसपी का मतलब स्टैक पॉइंटर, ये क्या करता है, टॉप ऑफ द स्टैक काम करता है। इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, एक ऑपरेशन होता है पुश ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेशन होता है पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन से यहाँ पे इंक्रीमेंट करता है, एक बार पुश करेंगे तो वो इंक्रीमेंट करेगा, और पॉप ऑपरेशन में क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। ये एमसीक्यू का विश्लेषण सब वो काफी ज्यादा काम आएगा। ठीक है, अब डेटा पॉइंटर होता है, डेटा पॉइंटर कितना बिट का होता है बाबू, तो ये डेटा पॉइंटर होता है 16 बिट का। ठीक है, इसमें से दो होता है, एक डीपीएल होता है, एक डीपीएच होता है। क्या होता है, एक डीपीएल होता है, दूसरा क्या होता है, डीपीएच होता है। डीपीएल कितना बिट का होता है, 8 बिट का होता है, और डीपीएच कितना बिट का होता है, दोनों 8 बिट का होता है। जब इसको 8 8 बिट का हम लोग काम करवाएंगे तो ये ऑन चिप रोम का काम करेगा, जब मेमोरी से बाहर से कोई एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस करना होगा वहां पे डेटा पॉइंटर आपका काम आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे पीसी कितना बिट का होता है, 16 बिट का होगा। पीसी का पूरा नाम प्रोग्राम काउंटर होता है और ये 16 बिट का होता है। इसमें क्या करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस को ये रखता है, या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस को ये क्या करता है, अपने पास रखता है। तो ये चारों ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिए, एग्जाम में इन्हीं में से 4 ऑप्शंस में से कुछ आपको पूछे जाएंगे, तो आप ये सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जैसे ही आपको बताएं, देखिए अगला क्वेश्चन उसी बेस्ट पे आ गया ना, पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, अभी जो हम बताए वही क्वेश्चन यहाँ पे आया है। ये पुश द डेटा इनटू द स्टैक, अगर कोई पुश द डेटा इनटू द स्टैक, अगर स्टैक पॉइंटर कोई डेटा को पुश करते हैं तो स्टैक पॉइंटर बिल, तो अभी हम बताएं कि पुश ऑपरेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। एवरी पुश में क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी ये ऑप्शन इसका सही है। तो जितना हम बता रहे हैं बस उसी चीज को ध्यान में रखना है, एक्स्ट्रा कुछ सोचने का ट्राई नहीं करना, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ये और कभी आपसे पॉप के बारे में पूछेगा तो पॉप ऑपरेशन अगर हम लोग करें किसी भी डेटा को, या फिर इसको पॉप करेंगे स्टैक पॉइंटर में, तो वहां क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। क्या, डिक्रीज बाई 1, मैंने जिस जितना भी हो जो मेमोरी लोकेशन होगा उसे ये क्या कर जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, पुश ऑपरेशन एक इंक्रीज कर जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट एड्रेसेबल मेमोरी प्रेजेंट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये जो होता है आपका 16 बाइट, बिट एड्रेसेबल कितना बाइट होता है, 16 बाइट, इसका आंसर हो गया 128 बाइट का होता है। तो आपको बता दें कि रैम होता है 8051 में 128 बाइट रैम होता है, और रोम कितना बाइट का होता है, तो ऑन चिप रोम जो होता है आपको बता दें ये 4 KB का होता है, कितना 4 KB का होता है। 32 बाइट क्या होता है, तो बैंक रजिस्टर होता है, 32 बाइट क्या होता है, बैंक रजिस्टर होता है, याद रखिएगा। कितना बैंक है, तो 4 बैंक होता है, कौन कौन बैंक है भाई, 4, तो बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3। सारा बैंक कितने बिट का होता है, सारा बैंक 8 बिट का होता है, इसलिए 4 बैंक है, इसलिए ये 32 बिट का है। ठीक है, बैंक 0 को डिफॉल्ट रजिस्टर बैंक बोला जाता है, याद रखिएगा, बैंक 0 को डिफॉल्ट रजिस्टर बैंक बोला जाता है, याद रखिएगा। और ये 8 बाइट का यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, हर एक बैंक जो होता है 8 बाइट का होता है, हर एक बैंक 8 बाइट का होता है, हर एक बैंक के हर एक रजिस्टर कितना बिट का होता है, 8 बिट का होता है, ध्यान रखिएगा। एक बैंक जो होता है, मान लिया जाए कि बैंक 0 है, सपोज डेट बैंक 0 है, तो बैंक 0 जो है कितना बाइट का, 8 बाइट का है। अब इस बैंक में कितने रजिस्टर है, 8 रजिस्टर है, R0 to R7, हर एक रजिस्टर कितने बिट का है, 8 बिट का है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये सब पूरा एक एक चीज को तोड़ करके आपको बता दिया जा रहा है, चारों ऑप्शंस बता दिया जा रहा है, साथ ही सही आंसर बता दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होना है आपका सी होगा, कि बिट एड्रेसेबल मेमोरी जो होता है 16 बाइट का होता है। ठीक है, ठीक है, और टोटल अगर हम लोग बात करते हैं बिट एड्रेसेबल मेमोरी और स्क्रैच पैड एरिया, एक चीज और बता रहे हैं, यहाँ पे रैम जो 128 बाइट होता है, इसमें 3 डिवाइड होते हैं, बैंक रजिस्टर, बीट एड्रेसेबल और स्क्रैच पैड एरिया। स्क्रैच पैड एरिया के जनरल पर्पस एरिया ही बोला जाता है, जो कि कितना बिट का होता है, वो 80 बाइट का होता है। ठीक है, अब 80 बाइट प्लस 32 बाइट प्लस 16 बाइट तीनों को मिलाएंगे तो ये 128 बाइट हो जाएगा।
ये सारा चीज आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो 11 रुपए वाला बैच जो आपको चल रहा है वो आप एप्पल प्ले स्टोर से द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप वहां पे जाइए पढ़िए, नहीं तो यूट्यूब पे भी आपका अवेलेबल है, दोनों जगह पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ आईओ पोर्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो आपको बता दें आईओ पोर्ट में जो होता है वो चार होता है, कौन कौन होता है भाई, तो पोर्ट वन होता है, आपको पोर्ट जीरो से चलते हैं, पोर्ट जीरो, पोर्ट वन, पोर्ट टू और पोर्ट थ्री। ये तीनों जो होता है कितने बिट का होता है, तो तीनों अगर हम लोग बात करें हर एक 8 8 बिट का होता है, ये टोटल 32 बिट का होता है। ये पिन डायग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा, पोर्ट वन, पोर्ट टू और पोर्ट थ्री और पोर्ट फोर। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि पोर्ट वन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, पोर्ट टू का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, पोर्ट टू और पोर्ट थ्री, इस तरह का रेंज पूछ जाता है। तो इसके पहले वाला जो वीडियो आप लोग को दिया गया उसमें सारा पोर्ट के बारे में बताया गया, कौन पोर्ट किया है, तो आप उस वीडियो को देखिए, एक ही वीडियो को बार बार नहीं बताया जाएगा, वहां एमसीक्यू में सारा पोर्ट पिन डायग्राम से रिलेटेड सारा कुछ बता दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको पोर्ट, यहाँ पे चार पोर्ट होता है आईओ पोर्ट, और ये इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन, उसमें भी हम बताए थे कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, पिछला वीडियो जो एमसीक्यू का अपलोड किया गया था उसमें हम बताए थे रीसेट पिन आपको बार बार पूछा था कि कितना पिन नंबर में होता है, तो पिन नंबर 9 में होता है। आई होप अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसलिए इस पे ज्यादा विश्लेषण हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ पे रेंज पूछा गया कि ये सिफारसी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, यानी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का एड्रेस रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको बता दें टोटल जो रैम मेमोरी हम लोग को पढ़ना है एक तरह से 256 पढ़ना है। ठीक है, 256 में 128 और 128 क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया, ऐसे हम लोग करते हैं। ये है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर या जनरल पर्पस रैम, और इसको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, तो आपको बता दे कि ये जीरो से लाइज करता है। ठीक है, ये जीरो ये लाइज करता है 7F तक। ठीक है, और ये जो लाइज करता है 80 से लेकर के कहाँ तक लाइज करता है, तो F तक लाइज करता है, ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो 11 रुपये बैच में पूरा स्पेशल इसी पे एक वीडियो बनाया है, इसी पे एक क्लास लिए, वो यूट्यूब पे भी आपका अवेलेबल है, तो आप दोनों जगह देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इंटरप्ट आर देयर इन माइक्रो कंट्रोलर, तो 5 इंटरप्ट होते हैं, याद रखिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन से आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइमर जीरो, बार बार बोलते थे कि टाइमर से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार वीवीआई लगाए थे, और ये कितने बिट का होता है, तो ये होता है आपको 16 बिट का होता है। इसी तरह से आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टाइमर वन कितने बिट का होता है, तो ये भी कितना बिट का होता है, 16 बिट का होता है। इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है TL1 और एक होता है TH1, ये दोनों कितना बिट का होता है, तो 8 8 बिट का होता है, ये सब बातों आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन है, भाटी द बिट साइज ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, पिछला वीडियो का पहला क्वेश्चन यही था, इसका साइज कितना होता है, तो 8 बिट होता है, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए ये एक ईयर में इतना क्वेश्चन पूछा गया था, ये दूसरे ईयर का क्वेश्चन देखिए ग्रुप ए का है। ठीक है, इसमें अभी देखिए क्वेश्चन जितना बताया वही ध्यान में रखिए, 8051 कौन टेन, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है क्या, इसका सही आंसर आपको चूज करना है। 4 बैंक होता है, हाँ सर होता है, 2 बैंक होता है, नहीं सर नहीं होता है, 8 बैंक होता है, नहीं सर, 4 बैंक होता है, सर हाँ होता है, तो दो ए और डी में दो ऑप्शन में सही है। अब चुने कि 4 बैंक ऑफ 8 रेसिस्टर, यानी 8 रेसिस्टर अभी बताए थे, तो 4 रेसिस्टर का नहीं होता है, 8 रेसिस्टर का होता है, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए आगे, ये 8051 कंटेन ऑफ कितना पिन, तो बता दे ये टोटल 40 पिन आईसी का होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको बी इज राइट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन ऑफ 8085 ये आपको सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको आप ना भी करें, लेकिन इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, ये 8085 का बीच में क्वेश्चन दे दिया था इसलिए उसको देख लिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है कि 8051 इंटरप्ट, ये सारा क्या है इंटरप्ट, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट बताना है, तो आपको बता दें कि इसका आई एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 जो होता है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट होता है, वो आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद है अगर क्वेश्चन फिर से 8051 है टाइमर काउंटर जो है, तो दो तरह का टाइमर काउंटर यहाँ पे होता है, टाइमर 0 और टाइमर 1। ठीक है, अभी एक बताए थे टाइमर 0 और टाइमर 1, ये दो होता है, और ये जब कभी टाइमर
को काउंटर के जैसा और ये टाइमर दोनों के जैसा ये बिहेव करता है, इसलिए दो होता है। और दोनों जो होता है 16 बिट का होता है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये दोनों जगह इसी तरह से पूछा जाता है, ठीक है। अब एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चन आया है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड पहचान है। यहाँ मूव है, मूव कितना है, ए से बी में जा रहा है, ए से बी, बी से ए रजिस्टर में जा रहा है, तो दोनों क्या है, रजिस्टर, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो जाएगा, कैसा सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग विल मूव द कंटेंट ऑफ एक्युमुलेटर टू रजिस्टर 5, यानी इसमें से बताना है कि मूव द कंटेंट ऑफ एक्युमुलेटर, मूव द कंटेंट ऑफ एक्युमुलेटर टू रजिस्टर 5, यानी एक्युमुलेटर के कंटेंट को कहां पर रजिस्टर 5 में भेजना है। तो आपको बता दें कि पहले इधर सोर्स होता है, इधर डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। तो किसका कंटेंट, मूव द कंटेंट ऑफ एक्युमुलेटर, यानी एक्युमुलेटर के कंटेंट होता है, एक्युमुलेटर के कंटेंट होगा तो ये सोर्स हो गया, कहां भेजना है, रजिस्टर 5 में, तो रजिस्टर 5 इसका डेस्टिनेशन हो गया। तो ये देखिए आपको ये जहां भी ऑप्शंस मिल रहा है आप कर लीजिए, मूव ए आर 5 ए, मूव आर 5 ए कहाँ पे है, बी में है, इसका सही आंसर भी इसी तरीका से आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, कि सोर्स को इधर रखिएगा और डेस्टिनेशन किधर, और इसके बगल में आपका जो भी आउटपुट है वो रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन देखिए कभी कभी आयो पोर्ट पूछता है, कभी कभी पैरेलल, इसलिए हम क्लास में बहुत अच्छे से आप लोग को ये चीज बताया था, कभी कभी पैरेलल आयो पोर्ट पूछेगा। तो ये नहीं मत सोचना है कि अलग चीज होता है वो अलग चीज होता है, दोनों सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर आपका 4 होगा, वही पैरेलल आयो पोर्ट, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 और पोर्ट 0 होता है। चलिए आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है कि रजिस्टर डेट होल्ड द मेमोरी एड्रेस, डेट होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। भाई अभी ही बताएं, अभी ही बताएं, पहला ही क्वेश्चन में आपको डील किया कि प्रोग्राम काउंटर जो होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट जो होना होता है उसका मेमोरी एड्रेस को ये होल्ड करता है, मेमोरी एड्रेस को ये रखता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रोग्राम काउंटर इसी को बोलते हैं। प्रोग्राम मेमोरी क्या होता है, तो प्रोग्राम मेमोरी बोला जाता है रोम को बोला जाता है, ये कितना बाइट का होता है, तो 4 किलोबाइट का ये होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इसको कभी कभी रीड ओनली मेमोरी दे करके भी पूछ लिया जाता है, जो कि हम पिछले वीडियो में सारा कुछ एमसीक्यू में क्लियर कर चुके हैं आपको। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी इज राइट आंसर। चलिए आगे, फिर है ये बी पुश द डेटा इनटू द स्टैक। अरे भाई यही एसबीटी का तो प्रॉब्लम है कि हर बार रिपीट, पिछले ईयर में पूछा, इस ईयर में पूछ दिया, तो आप ये मत सोचिएगा कि इस बार नहीं पूछेगा, इसलिए यही एसबीटी का रूलिंग है, इस बार भी पूछेगा, इसलिए इसका इंक्रीज होगा, जहां पूछ है वहां पे इंक्रीज होगा, ठीक है। आगे चलिए, भाट डू इंटरनल रैम ऑफ, अभी ही बताएंगे कि रैम कितना होता है 8051 में, तो 128 बाइट होता है, 128 बाइट होता है रैम, ठीक है। अब जो हम बताएं कि रैम जो दो भागों में बांटा गया 256, वो मत याद रखेगा, ये वो वहां पे इसलिए बता दिया गया कि वहां पे एक जनरल पर्पस और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर ऐसा, ये एडिशनल अलग होता है, ये अलग होता है, लेकिन दोनों जो होता है रैम में ही आता है। यहाँ पे डेटा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों जैसा भी यहाँ पे एड्रेसिंग किया जाता है, जबकि यहाँ पे उस तरह से नहीं किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा रैम जो होता है 128 होता है, ठीक है, और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी 128 होता है, इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि 256 होता है, दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें रैम मेमोरी को जो ऑन चिप रैम होता है वो 128 आपको अलग होता है, स्पेशल आपको अलग होता है ऑन चिप वो भी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रैम जो होता है 128 बाइट का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद भीच अफेक्ट द प्रोग्राम काउंटर, यानी प्रोग्राम काउंटर को कौन अफेक्ट करते हैं, यानी पीसी, पीसी क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस रखता है, इसको कौन अफेक्ट पहुंचा सकता है। तो आपको बता दें कॉल एंड जंप एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि इसको इफेक्ट पहुंचाता है, इसके इस तरह से इफेक्ट पहुंचाता है कि जब ये दोनों जब आता है तो इंटरप्ट, क्या इंटरप्ट इसके साथ आता है। अब इंटरप्ट जब आता है तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को कॉल करता है या जंप करता है, कॉल करता है तो बेचारों को क्या करता है कि जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला रहता है इसका इंस्ट्रक्शन को स्टैक पॉइंटर में क्या करना पड़ता है, भेजना पड़ता है, और पीसी को एक न्यू एड्रेस क्या करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, और न्यू एड्रेस अपलोड करके पहले कॉल या फिर जंप वाले इंस्ट्रक्शन को पूरा करना पड़ता है, तो देन आफ्टर ये फिर जो अपने काम करता है वो करते रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि प्रोग्राम काउंटर को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, जो काम होते रहता है तो उसको रोक देता है, रोकने के बाद वो पहले कहता है मेरा काम करो, देन आफ्टर फिर अपना काम करना। तो ये इंटरप्ट में ऐसा देखने को मिलता है, और बहुत अच्छे से कंडीशनल जंप अनकंडीशनल जंप में इसको हम बताए हुए हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया कि इंटेल कब डिजाइन किया गया था, तो ये डिजाइन किया गया था आपको 1980 में, याद रखिएगा 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ये आपका एनमॉस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है,
ठीक है, एनमॉस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। और ये कितने बिट का है, तो ये 8 बिट का आपका रेसिस्टर है। कितना है, 8 बिट का रेसिस्टर है, ये भी याद रखिएगा। 805 माइक कंट्रोलर 8 बिट का रेसिस्टर, 1980 में बनाया गया था, एनमॉस टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है, ठीक है। प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई पे भी ये काम करता है, ये भी याद रखिए। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस बार। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये माइक्रो प्रोसेसर 2 IO, इसको कोई मतलब नहीं है, ये बीच में क्वेश्चन दे दिया है। ओ चलिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज 8 बिट रेसिस्टर, इनमें से कौन 8 बिट रेसिस्टर है। तो PSW 8 बिट है सर, हाँ अभी तो आप बताएं। एक्यूमुलेटर 8 बिट है सर, तो दो ऑप्शन मिलेगा, तो ऑल ऑफ द एबव। अभी एग्जाम में इसी तरह से ध्यान देना है, दो ऑप्शन मिल गया तो तीसरा क्या है, नथिंग बट, उसको छोड़ दीजिए, ऑल ऑफ द एबव पे आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन टीकॉन रेसिस्टर भी आपको लाइव क्लास में बताया गया है बहुत अच्छे से, और जो नहीं लिए 11 रुपये वाला बैच आप ले सकते हैं। द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर करके 11 रुपया बैच आप परचेस कर करके देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं वहां पे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और SBT का रूल है कि अगर ऑल ऑफ द एबव रहता है तो 90% केसेस में ऑल ऑफ द एबव होता है, 10% के केसेस में क्या होता है, ऑल ऑफ द एबव नहीं होता है। SBT का बहुत पुराना रूल है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, 90% के चक्कर में नहीं, 10% के भी चक्कर में रहिएगा, नहीं तो कभी कभी 90% वाला गलत हो जाएगा, 10% वाला सही हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के पढ़ लिख करके फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया भाई, कि हाउ मेनी टाइमर काउंटर और 8016। अरे भाई क्या है ये सब, इसका 2 होगा, टाइमर 0 टाइमर। इसी तरह से बोलते हैं कि आपको इसमें से 10 क्वेश्चन के अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, इसी से 10 क्वेश्चन आपको में भी चांस है, चाहे घुमा करके रहे, डायरेक्ट रहे, चाहे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, चारों ऑप्शन हो रहे, लेकिन रहेगा तो इसी से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अप्रोक्स 10 क्वेश्चन रहेगा। तो इसको आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ये दूसरा ईयर का क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन 20 माह तक खत्म हो गया, ये नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन आ गया। और ये जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ बोला गया कि मशीन साइकिल जो होता है रिक्वायर्ड फॉर रिटर्न इंस्ट्रक्शन के लिए 3 होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, 3 होता है, रिटर्न के लिए मशीन साइकिल जो यूज करते हैं वो 3 होता है, इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे, 8051 में DTPR, ओहो अब बताओ, अब बताओ। मैं पहले ही बता दिया है कि ये सब क्वेश्चन रिपीटेड होता है। आगे DTPR डेटा पॉइंट कितने बिट का, पहला क्वेश्चन में बताए थे कि 16 बिट का रजिस्टर होता है। पहला क्वेश्चन काफी अच्छा था यार, और लगभग सारे क्वेश्चन वहीं से मिल गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है कि ये है एक कॉल, ये दो तरह का हमको बताया था, एक ये कॉल आप लोग को बताया गया था, एगो एल कॉल आप लोग को बताया गया था, याद होगा शायद। अब सुलूट कॉल, लॉन्ग जंप कॉल, ये जो होता है 2 बाइट का होता है, ये 3 बाइट का होता है। एक कॉल कितना बाइट का, 2 बाइट। कभी कभी एल कॉल पूछ जाएगा तो कितना बाइट का, 3 बाइट का होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे, फिर है हाउ मेनी बाइट ऑफ रैम सेट इन साइड फॉर रजिस्टर बैंक अंडर स्टैक। तो अभी बताया कि रजिस्टर बैंक कितने बिट का होता है, इसके साथ स्टैक भी होता है। तो ये रजिस्टर बैंक कितना बिट का होता है, कितना बाइट, तो 32 बाइट होता है। 32 बाइट में कौन कौन, 4 बैंक आते हैं, चारों बैंक जो होता है 8 बाइट का होता है, ठीक है। और हर एक बैंक कितना बाइट का होता है, 8 बाइट। और हर एक बैंक का, हर एक रजिस्टर कितना बिट का होता है, 8 बिट का होता है, याद रखिएगा। इतना हम डीपली में जाकर के आपको बता रहे हैं, ठीक है। और 32 बाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज बोल रहे हैं कि रैम में जो होता है बैंक, और 32 बाइट का होता है, एक जो आपको बैंक होता है वो 8 बाइट का होता है, और एक बैंक में जो होता है 8 रजिस्टर होते हैं, वो 8 रजिस्टर जो होते हैं, हर एक रजिस्टर जो होता है कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। इसलिए 8 रजिस्टर 8 बाइट, और 8 बाइट इंटू 4 यानी 32 आपको हो जाएगा बाइट, ठीक है, याद रखिएगा। टीकॉन रजिस्टर यहाँ पर पूछा क्या है, तो टीकॉन रजिस्टर, टीकॉन का पूरा नाम बता दे, टी से होता है टाइमर, टी से होता है टाइमर, और कौन से होता है कंट्रोल, ये सब याद करने का तरीका है, टाइमर कंट्रोल, ठीक है। टाइमर कंट्रोल कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज राइट आंसर। चलिए आगे, बीच ऑफ द फ्लोइंग नोट बिट, देखिए आ गया ना, हम लेक्चर्स में इतना बार बताए थे कि बाबू याद रखना पूरा बिट, ए से फॉर्म स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में एक पीकॉन रजिस्टर ही ऐसा है जो बिट एड्रेसेबल नहीं होता है, बाकी इसके अलावा जितने भी रजिस्टर हैं सब के सब बिट एड्रेसेबल होते हैं। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा आपके लिए, और ये अब मोस्ट वीवीआई क्या है, ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है सारा, अब इससे भी मोस्ट वीवीआई क्या हम लगाएं, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर में ही पूछा गया है,
तो आप लोग सोच ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन अनसाइंड नंबर ऑफ एडिशनल स्टेटस फ्लैग विच बिट आर इंपोर्टेंट। देखिए अनसाइंड बोल रहा है, ठीक है, अनसाइंड बोल रहा है यानी साइन से कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा अनसाइंड बोल रहा है, साइन से कोई मतलब नहीं है, तो एक साइंड होता है। ठीक है, तो साइंड जहां भी आएगा तो वहां पे ध्यान रखिएगा ओवर प्रूफ फ्लैग आपको अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम वहां पे ओवर प्रूफ फ्लैग अफेक्ट करता है तब पता चलता है कि वहां पे किस तरह से ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है और रिसेट होता है। लेकिन अनसाइंड होगा तो यहाँ पे कैरी होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैरी कैसे होता है कि मान ले कोई नंबर को जोड़ रहे हैं तो 8 बिट का नंबर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 8 बिट से अगर 9 बिट होगा तो ये क्या हो जाएगा आपको कैरी हो जाएगा। लेकिन हम 8 बिट नंबर को जोड़ रहे हैं और साइन फ्लैग यूज कर रहे हैं तो 8 बिट की जगह पे 7 बिट को ऐड करते हैं और 1 बिट को हम लोग साइन के लिए रखते हैं कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस केस में ओवरफ्लो फ्लैग आपका क्या होता है एग्जीक्यूट होता है या ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है या रिसेट होता है। तो ये चीजें आप काफी अच्छे से आपको हम बताए हैं और लेक्चर वीडियो में, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर जो है 3 का आपका क्या हो जाएगा बी होना है। साइंड के लिए आपको पूछा जा सकता है इस बार, तो आप तैयार रहेंगे। ठीक है, साइंड के लिए पूछेगा तो क्या होगा ओवरफ्लो फ्लैग होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग है नो इफेक्ट ऑन द पीएसडब्ल्यू यानी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड या प्रोसेसर स्टेटस वर्ड का इफेक्ट इनमें से कौन से इंस्ट्रक्शंस पे नहीं पड़ता है। तो आपको हम पहले बता दें कि अर्थमेटिक और इंस्ट्रक्शंस पे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या ऑल अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस पे पीएसडब्ल्यू का इफेक्ट होता है। लॉजिकल में दो तीन इंस्ट्रक्शन जो है जिसपे RAL, ठीक है, RRC जो हम लोग कैरी के लिए पढ़े थे इसमें सिर्फ इफेक्ट करता है, बाकी किसी में नहीं। तो ये यहाँ पे एंड और XOR तीनों में से किसी में नहीं इफेक्ट करता, इसलिए इसका डी आंसर ऑल ऑफ द एबव। ध्यान दीजिएगा कि ऑल ऑफ द एबव जितना में होगा मैक्सिमम जो 90% होता है ऑल ऑफ द एबव ये सही होता है, तो आप थोड़ा सा समझ बूझ करके कभी कभी नुकसान हो सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग मोड इज यूज्ड इन पुशिंग और पॉपिंग एलिमेंट ऑन ऑफ फ्रॉम स्टैक। तो आपको ये बता दे बाबू कि ये जो पुशिंग और पॉपिंग एलिमेंट जो होता है ये दोनों स्टैक में होता है। ठीक है, ये दोनों स्टैक में होता है और स्टैक से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का ये काम होता है। ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन पुश और पॉप ऑपरेशन कहाँ पे होता है स्टैक में होता है, और इसके डायरेक्ट किसी डेटा को लाना है किस एड्रेसिंग मोड के थ्रू लाएंगे तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के थ्रू इसको हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे DZ है, DDNZ है, DJNZ है, JC है, JNC। अगर इसको हम लोग पढ़ना चाहें तो जंप जीरो JZ का क्या पढ़ते हैं जंप जीरो, JNZ जंप नोट जीरो, DJNZ के पढ़ते हैं डिक्रीमेंट जंप नोट जीरो, JC जंप इफ कैरी, JNC जंप इफ नोट कैरी। तो ये जीरो कैरी क्या है सर, आप थोड़ा याद कीजिए, कुछ तो बताए होंगे। सर ये PSW है सर, क्या है PSW है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है सर। ओहो, इसका काहे सोच रहे हैं ज्यादा, डी आंसर लगा ही दीजिए ना, गलती नहीं करके आइएगा, बहुत मेहनत करके पढ़ाए हैं आप लोग को। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखे हैं हम लोग, यहाँ तक देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर, इसमें हम लोग क्या है क्वेश्चंस को सारे लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को हम ऐसा बता चुके हैं आप लोग को। कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन विल मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू रजिस्टर 6, यानी कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर को रजिस्टर 6 में क्या करना मूव करना है, इसका बी आंसर ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि हम बोले थे कि मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर को मूव करना है कहाँ पे टू रजिस्टर 6 में, तो रजिस्टर 6 मूव करना है किसका कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर को। चलिए हो गया, जहां भी ऑप्शन है लगा दीजिए, सेम ही क्वेश्चन इसका पहले भी दिया गया था। चलिए SBT का यही है कि सेम क्वेश्चन देता। ओहो, इससे तो हम परेशान हो चुके हैं इस क्वेश्चन से, बताओ तुम ही लोग आंसर क्या होगा। 16 बिट टाइमर काउंटर है, ये आपका दो आंसर सही हो जाएगा, अब क्या कहते हो भाई। उसके बाद हाँ ये है 8051 कैन हैंडल द फ्लोइंग इंटरप्ट, तो इसका क्या हो पांच, ठीक है, पांच इंटरप्ट जो होता है इंटरप्ट सोर्स जो होता है यहाँ पे पांच होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन है, पिच ऑफ द फ्लोइंग कमांड टू विल मूव द वैल्यू एट पोर्ट 3 टू रजिस्टर 3, यानी पोर्ट 3 का वैल्यू को रजिस्टर 2 में क्या करना मूव करना है। तो देख लो कहाँ पे ऑप्शन है पोर्ट 3, ये को तो ऑप्शन में है भाई, पोर्ट 3 R3 है यहाँ पे, अच्छा पोर्ट 3 है R2 है, एक ही ऑप्शन है ना, R3
P3 और कोई है नहीं है, एक ही ऑप्शन थर्ड डी है। तो अब ये क्वेश्चंस खत्म हो गए, अगले ईयर पे आप चलते हैं। पीच ऑफ द फ्लोइंग नोट बीट अ डेसिमल रजिस्टर होता है सर, होता है, डायरेक्ट होता है, इंडेक्स होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर ये होता है 8051 में। और ड्रेसिंग मोड जो होता है आपका स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड नहीं होता है, याद रखिएगा। माइक्रो कंट्रोलर है 40 पिन आईसी, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 2022 का क्वेश्चन है ये, 2022 अभी अभी ये एग्जाम हुआ है कुछ दिन पहले, तो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है। ओहो, परेशान कर दिया है क्वेश्चन, कोई भी ईयर ऐसा है कि क्वेश्चन नहीं है, तब तो कैसे एक्सपेक्ट करें कि आपको जब एग्जाम देना हो और ये क्वेश्चन ना रहे, हमको तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि क्वेश्चन ना रहेगा, इसी में से रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, बीच दी तो लोडिंग द डेटा ऑफ पॉइंटर विल मूव द इमीडिएट डेटा, इमीडिएट डेटा के लिए आपका ये यूज कर सकते हैं, आप मूव के यूज कर सकते हैं 16 बिट इमीडिएट डेटा के लिए, ठीक है, डेटा पॉइंटर के साथ। हाँ, ये क्वेश्चन आया जबरदस्त। एक्सटर्नल इंटरप्ट जो होता है कैन बी इनेबल्ड, तो ये एक्सटर्नल इंटरप्ट जो इनेबल होता है सबसे पहले 4 LSB टिकोन रजिस्टर में होता है, फिर इंटरप्ट इनेबल होता है, फिर प्रायोरिटी रजिस्टर होता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल इंटरप्ट तैयार होता है इनेबल करने के लिए। तो इसका डी हम बोले हैं कि आप ध्यान देते रहिएगा, डी जितना में होगा शायद ही ऐसा क्वेश्चन होगा 100 में 1-2, 1-2 जिसका डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि डी बना के आना है भाई, कम से कम 2 ऑप्शन आपको अगर पता होगा तो आप ऑल ऑफ द एवा पे जा सकते हैं, कोई 2 ऑप्शन पता होगा, तीसरा नहीं पता होगा, तो उस केस में डी पे आप जा सकते हैं, अन्यथा आप सोच समझ करके करिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम लॉजिक एरे, प्रोग्राम लॉजिक एरे जो होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नो मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका शॉर्ट नेम भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, PLA। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम भी मिल जाएगा आपको PLA, ये जो बनता है एंड गेट और गेट लगा करके इसको बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका आर्किटेक्चर जो तैयार किया जाता है आपको एंड गेट, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा और गेट। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि है एंड गेट और गेट, ये दोनों मिला करके आर्किटेक्चर को इसका प्री डिफाइंड किया जाता है, तो ये ऐसे इस लेवल्स में है नहीं, ये सब पूछने का चांसेस भी नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर यूज ऑफ बैटरी, माइक्रो कंट्रोलर जो बैटरी का यूज किया जाता है बिकॉज इसका रीजंस क्या है, तो लो पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन इसका कम होता है इसलिए इसका यूज किया जाता है, इसका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर है, इसका क्या बोले, अब यह थोड़ा सा अपोजिट लगता है, कर दिया गया भी 14 इंस्ट्रक्शन विल कंटेंट ऑफ रजिस्टर 3 टू एक्यूमुलेटर, यानी कंटेंट ऑफ रजिस्टर 3 टू एक्यूमुलेटर में मूव करना है, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया था, तो बस देख लियो अपोजिट कर दीजिए R3, ये इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान, बस थोड़ा सा माइनर मिस्टेक नहीं करना है बस। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू होता है, सीपीयू को बोला जाता है MIUI, माइक्रो प्रोसेसर, रैम होता है, रोम होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, रैम रोम आपको पता है कि माइक्रो कंट्रोलर में ऑन चिप होता है, सीपीयू आपको नहीं पता होगा सपोज डेट, तो इस केस में ऑल ऑफ द एबव पे जा सकते हैं। ठीक है, इस केस में हम बोल रहे हैं ऑल ऑफ द एबव पे जा सकते हैं, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। टोटल एक्सटर्नल मेमोरी कैन बी इंटरफेस ऑफ 8051, तो टोटल टोटल जो बात करें, टोटल कितना, टोटल टोटल 64, टोटल 64, अगर टोटल ना बोलता तो 60, टोटल नहीं बोलता तो 60 KB, क्योंकि 4 KB ऑन चिप रोम इसके पास होता है, 4 KB ऑन चिप रोम इसके पास होता है, इसलिए ये टोटल बोल रहा है, इसलिए 64 होगा, टोटल नहीं बोलता तो कितना होता है, 4 KB होता है, बस ध्यान में इतना ही रखना है आप लोग को। ठीक है, टोटल बोला इसलिए 64 हुआ, और ऑप्शन में भी 60 नहीं दिया कि आपको कंफ्यूज कर सके, तो टोटल क्या होता है, 64 होता है। चलिए आगे क्वेश्चंस, और कोई बचा हुआ, हाँ, ए हाई ऑन पिन विच रीसेट द 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर रीसेट पिन यूज किया था वो RST से, हम लोग पिन डायग्राम में शो करते हैं RST से, तो ध्यान रखिएगा PSN क्या होता है, ये से पावर, ये होता है प्रोग्राम पावर नहीं, इसको देखिए यही चीज होता है, प्रोग्राम स्टोर इनेबल, स्टोर इनेबल। ठीक है, रीसेट ये लिखा हुआ गलत है, RST ये भी नहीं होगा, इसका सही आंसर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बीच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोकंट्रोलर कैन डायरेक्टली अप टू 82-55, ये सिलेबस में नहीं, इसका सही आंसर आपको शायद आपका D7 D7 RD रीड राइट आपका बी ही हो जाएगा, लेकिन ये आपका सिलेबस में नहीं, 82-55 आपको पढ़ना। ठीक
है, तो ये टोटल क्वेश्चंस था 2000 शायद 18 19 20 और 21 और 22, ये 4 ईयर का लगभग क्वेश्चंस था हमारे पास। और 4 ईयर में देखे कौन कौन क्वेश्चन 8051 से पूछा गया है, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एमसीक्यू कराया गया है, वीकली टेस्ट कराया गया है, वहां पे आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। और इसके पहले आप एमसीक्यू दिए हैं तो इतना एमसीक्यू आपको 10+ एमसीक्यू आपको सही करने का गारंटी है। बाकी 10 एमसीक्यू जो है आपको आपको आएगा, मतलब इंटरफेसिंग जो पढ़ना है, एलईडी एलसीडी ठीक है ना, ए टू डी ठीक है, ये सब कुछ सी सी प्रोग्रामिंग का कुछ दिया गया, उससे क्वेश्चन आएगा। तो अप्रोक्सीमेट 10 आंसर क्वेश्चन आपको यहाँ से आना है, और 10 आप बना करके आइएगा, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।